अभी हम बात करते हैं थोड़ा ट्रांसमिशन के बारे में। ये हमारा ट्रांसमिशन वर्कशॉप है, इसमें हम ट्रांसमिशन को डिसमेंटलिंग असेंबलिंग वगैरह करते हैं। ओके, सो ट्रांसमिशन के लिए हम बात करते हैं, अलग अलग ट्रांसमिशन होते हैं। ओके, स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन, ओके, देन कॉन्स्टेंट मेश है, देन सिंक्रो मेश है, राइट? या मैं बताता हूँ। जो स्टार्टिंग के लिए हम बात करते हैं, पहले जो पुराना ट्रैक्टर्स में वगैरह यूज़ करते थे स्लाइडिंग मेश, इसमें गियर एंगेज करना है, डिसएंगेज करना है, तो आपको गियर को मूव करना पड़ेगा, तभी गियर एंगेज होता है। ओके, गियर एंगेज और डिसएंगेज करने में, ओके, ये स्मॉलर एचपी ट्रैक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पावर लॉस वगैरह कम होता है, सिंपल इन डिज़ाइन, सर्विस करने में भी अच्छा है। बट ये हेवी हॉर्सपावर रेंज ऑफ ट्रैक्टर्स में इतना सूटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रांसमिशन लोड्स, वो ब्रेकेज होने का वगैरह चांसेस इसमें ज़्यादा आता है। ये गियरबॉक्स में जब गियर एंगेज करना, डिसएंगेज करने के लिए गियर मूव करना पड़ता है, ओके, इससे थोड़ा शिफ्टिंग हार्ड रहेगा, देन गियर नॉइज़ भी आता है। ओके, उतना गियर शिफ्टिंग इतना ईजी नहीं है। देन कॉन्स्टेंट मेश की हम बात करते हैं, गियरबॉक्स के अंदर सारे गियर्स एक साथ जुड़े रहते हैं। ओके, इसमें गियर्स मूव नहीं होता है, गियर एंगेज करना, डिसएंगेज करना है तो इसमें कपलर को हम मूव करते हैं। ओके, जैसे कपलर को हम मूव करते हैं, हमको मूव करने में बहुत आसान रहता है एंड नॉइज भी नहीं रहेगा। ओके, एक गियर दूसरे गियर से नहीं टकराता है, इसका गियरों में जो घिसावट जो बोलते हैं वेरिएंट है वो नहीं होता है। ओके, और इसका लाइफ ज़्यादा है। ओके, 40 HP, 50 HP, 60 HP रेंज ऑफ ट्रैक्टर में ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस गियर बॉक्स नेम कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स। ओके, अब हम आगे आते हैं सिंक्रो मेश टाइप ऑफ गियर बॉक्स। ओके, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स देखने के लिए कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स जैसे ही रहता है, बट इसका बीच में एक सिंक्रोनाइजर रिंग्स होते हैं, पीतल कलर के ये सिंक्रोनाइजर रिंग्स होते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये पीतल कलर का जो रिंग है इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। ये गियरबॉक्स में रिंग लगा रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंक्रोमेश गियरबॉक्स। ओके, इसका काम ऐसा है कि जब हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि शिफ्ट करते हैं जो ये कॉलर ये गियर के ऊपर चढ़ने से पहले ये इसका स्पीड को सिंक्रोनाइज कर देता है, मींस ये जो स्पीड है ये स्पीड को कर देता है, इसलिए बहुत आसान से शिफ्ट होता है। एक पावर ट्रैक का एक गियरबॉक्स का एक कट मॉडल है, कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपलर्स वगैरह हैं। ओके, जब मैं अभी गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ कपलर ही मूव हो रहा है। ओके, सो गियरबॉक्स के ट्रैक्टर में जब गियर लगाते हैं, गियर न्यूट्रल करते हैं, सो इसी तरह एक्टिविटी उसमें चलता है। राइट, इस टाइप ऑफ गियरबॉक्स को बोलते हैं कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स। अभी हमने गियर शिफ्टिंग किया, बट गियर कहीं मूवमेंट नहीं हुआ, आगे पीछे नहीं हुआ, सिर्फ कपलर ही मूवमेंट हुआ। okay. इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स। यस, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो अलग अलग ट्रांसमिशन मॉडल्स है। ओके, ये अपना स्टील ट्रैक है, ये अपना ये ऑटम है। ओके, ये अपना हीरो 45+ फोर व्हील ड्राइव का है, एंड अलग अलग ये सारे पावर ट्रैक का ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये फॉर्म ट्रैक ट्रैक्टर्स का ट्रांसमिशन से ये गियरबॉक्स है। सो देन इसका बैक एंड से मींस इसका रेयर एक्सल, जिसको हम पिछला हाउसिंग और पिछला एक्सल बोलते हैं, वो है। सो अभी तक हम देखे थे कट सेक्शन का इंजन। ओके, ट्रैक्टर का आगे की पार्ट। ओके, सो ये है ट्रैक्टर का बीच का और पीछे वाला पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर ए हाउसिंग का बोलते हैं, यहाँ तक है ये ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, वो यहाँ से यहाँ बोलते हैं हम रेयर हाउसिंग। ओके, रेयर हाउसिंग विथ रेयर एक्सल। ओके, सो ये भी हमारा जो
फॉर्म ट्रैक ट्रैक्टर का कट सेक्शन है जो आप देख सकते हैं, कपलस वगैरह है, अंदर के पार्ट कैसे रहते हैं फॉर्म ट्रैक में, जो ये भी कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स है विथ हैवी ड्यूटी गियर्स। ओके, सारे गियर आपको मोटा ही दिखेगा। ओके, हैवी ड्यूटी है फॉर्म ट्रैक का गियरबॉक्स। ओके, सो देन आप इसके अलावा और भी देख सकते हैं हाइड्रोलिक। ओके, ट्रैक्टर में एक हाइड्रोलिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है हाइड्रोलिक। ओके, उसका एक कट सेक्शन है। ओके, हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर ये सब डिस्ट्रीब्यूट रहे, देन ये इसका आर्म्स है, इसका शाफ्ट एंड इसका आर्म्स। पिछला हिस्सा है, पिछला भाग जिसको हम रियर एक्सल बोलते हैं। ओके, ये प्योरली साइड शिफ्ट है। प्योरली साइड शिफ्ट बोले तो जो गियर लीवर्स है वो पूरा साइड में है। ओके, सो नॉर्मली गियर साइड शिफ्ट पूरा साइड में रहता है, बाकी आसानी से आपको गियर शिफ्ट करने में सो ईजी रहे।